गाइज ये टैंक देखिए, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ कीड़े हुए हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे ऊपर जो टेरेस पे बना था, तो इसमें भी वैसे ही कीड़े बने हैं। ये किस लिए बनते हैं पता नहीं, लेकिन ये देखिए बारिश का पानी इसमें बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। मैंने इसके ऊपर थर्माकोल रखा था ताकि पानी इसमें ना जाए, तो किसने तोड़ा है पता नहीं, ये तोड़ दिया है। तो ये देखिए ये क्या कीड़े हैं ना, पता नहीं चलता है, लेकिन खैर ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, तो ये अच्छी बात है, इसमें मच्छर ना हो, इसीलिए मैं इसको खाली कर दूंगा। शायद इन कीड़ों की वजह से ही इसमें मच्छर नहीं हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, तो मैं इसको खाली कर दूंगा। मैंने इसको खाली करने के लिए लगा दिया है, ये सब सारी चीज़ें अभी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये गैलरी में है तो वो अच्छी नहीं दिखती है। इसको धूप में सुखाने के लिए रखा था तो ये सूख चुका है। बाकी ये मेरा बजीस के केज में था तो ये भी ऊपर है, उल्टा करके रखा है ताकि इसमें पानी जमा ना हो। इसको भी सुखाने के लिए रखा था धोने के बाद, तो ये पूरा यहीं पे पड़ा हुआ है। ये है छोटा सा पॉन्ड जिसको बर्ड्स के लिए रखेंगे पानी पीने के लिए, और ये कुछ एक्वेरियम के रॉक्स हैं जो इसमें थे। तो आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें क्या चीज़ देखनी है, कौन सा फिश देखना है, तो मुझे लगा अच्छा लगा, अगर मिलता है तो मैं इसमें रख दूंगा। Hey guys, this is Raj and you are watching Petshala. तो चलिए अब देखते हैं हमारा टैंक कितना खाली हुआ है। Finally ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बस थोड़ा पानी बचा है, वो धूप से उड़ जाएगा। ये देखिए मेरी एंजल, ये हर रोज़ धूप में बास्क करके रहती है, ये इसका डेली रूटीन है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है जब ये बास्क नहीं करती है, ये धूप में आके नहीं बैठती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी धूप आती है ये आके बैठ जाती है। इनको मैंने फीड कर दिया थोड़े ब्लड वर्म्स और पैलेट्स, थोड़ा आज मैंने ज़्यादा किया है। इनको भी फीड कर दिया है ऑलमोस्ट, इन्होंने तो पूरा फूड ख़त्म कर लिया है, तो अभी इनको छोड़ना है इनके पॉन्ड में। इनका पॉन्ड ऑलमोस्ट रेडी है, तो इनको आज हम छोड़ेंगे पॉन्ड में। इनको भी मैंने फीड कर दिया है, अब ये मज़े से खा रहे हैं, और आप धूप देख सकते हो कि कितनी प्रॉपर है, इसीलिए इसका जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर के प्लांट्स। तो अभी हम फीड करेंगे हमारे टीरेक्स को, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा फीड किया था, धूप की वजह से उसको ज़्यादा भूख लगती है। तो ये मैंने लिया है गोभी के पत्ते, पत्ता गोभी के, फूल गोभी के, और कैल्शियम और विटामिन, तो मैं इसमें मिक्स करूँगा। मैं इसको एटलीस्ट वीक में एक या दो बार तो उसे ये फीड करता ही हूँ। तो गाइज मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं टीरेक्स के एनक्लोजर में, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए गाइज, ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मैं शायद से ये इसके फूल सारे निकाल दूंगा, इसका प्लेसमेंट भी चेंज कर दूंगा, लेकिन आपको ये कैसे लग रहा है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि ये अच्छा दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, लेकिन ये कुछ ऐसे लुक आ रहा है अभी। ये देखिए ये खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन खा नहीं पाएगा, प्लास्टिक के हैं तो इसको समझ जाएगा कि ये खाने लायक नहीं है। ये हो गया, अभी ट्राई भी नहीं करेगा बाद में, उसको भी ट्राई करेगा। ये वाला जो है ये भी आर्टिफिशियल ही है। ये देखिए सांप यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे, ये अभी धीरे धीरे सेट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं अभी इसको फूड देता हूँ ये सब मिक्स करके। जिसका प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं, ये हर टाइम अपने डिश में ये पूप करता रहता है, तो ये बहुत बुरी बात है। अभी इसने पहले तो यहाँ पे की थी, अब ये नीचे की है और इसमें थोड़ा पी कर दिया है, तो मुझे इसे वॉश करना पड़ेगा, फिर ही मैं उसके अंदर उसको फूड दे सकता हूँ। मैं ये कर दूँगा इसके अंदर डंप। और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा कैल्शियम, मैं इसको वीकली एक या दो बार तो देता ही हूँ,
ज़्यादा देने से भी तकलीफ होती है गाइस, मैंने देखा है उसको कॉन्स्टिपेशन सॉरी उसकी जो पूप है वो ख़राब हो जाती है, उसको दस्त लग जाते हैं। ज़्यादा देना भी अच्छा नहीं है गाइस, मैंने देखा है कि उसका पेट बिगड़ जाता है ज़्यादा देने के बाद। मतलब पीक में अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो उसका पेट बिगड़ जाता है, तो मैं थोड़ा ही देता हूँ वीक में, एटलीस्ट मैं दो बार ही देता हूँ या एक बार। तो अब मैं इसको ये रख देता हूँ। ये आ गया। तो गाइज आप लोग बोल रहे थे कि ये घूम नहीं पाएगा, तो इसमें भी ये घूम पा रहा है, इतनी जगह है। तो ये मैंने रख दिया है, अब ये इसके हिसाब से आके खा लेगा। ये जो है मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है ताकि मैं समझ जाऊँ कि उसको फीड करना है, मुझे याद रहे, इसीलिए ये यहीं पे रहेगा। तो अब मैंने तो कर दिया है इसको फीड, ये जा रहा है खाना खाने, ये निकल गया। तो खैर ये खा लेगा, अब हम ऐड करेंगे हमारे टर्टल्स को हमारे पॉन्ड में। चलो गाइस अब तुम्हारी बारी है तुम्हारे सेटअप पे जाने की। तो मैंने ले आया, अब ऐड करेंगे इसमें इनके सेटअप में। तो देखिए वापस आज भी नीचे का एल्गी ऊपर आ चुका है। इसमें मैंने थोड़े प्लांट्स ऐड किए, अभी मैं इन्हें नहीं निकालूंगा, मेरे टर्टल इसको खा लेंगे। तो चलिए अभी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हमारे बेबी टर्टल को, जो कि अभी बेबी नहीं रहा, थोड़ा बड़ा हो गया है, साइज़ भी गेन कर ली है अच्छे से। ये देखिए थोड़ा मैं धूप में दिखाता हूँ आपको, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ये जो उसके शेल के ऊपर वाइट जो लाइंस दिख रही है वो पानी की है, थोड़ा पानी हार्ड है हमारे यहाँ का, तो ये वाइट स्पॉट्स पानी के ही हैं। तो चलिए अभी इसको इसके अंदर छोड़ देते हैं। ये गया। अब बारी है हमारे एस्केप मास्टर की, हमारा मेल टर्टल। ये गया। अभी ये एक वीक के लिए, एक डेढ़ दो वीक के लिए शायद ये मेरे साथ थे, तो इनको थोड़ा तैरने में टाइम लगेगा, ये तुरंत नीचे नहीं जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप बहुत दिनों बाद उनको डीप पानी में उनको छोड़ते हो तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं नीचे जाने में। तो ये वही करेंगे, उसके बाद ये आसानी से नीचे जा पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने इनको इतने दिनों से क्यों ऐड नहीं किया था, ये आप पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको पता ही है, लेकिन नए लोग जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरी फीमेल टर्टल थी, उसकी डेथ हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि उनके उसका जो इन्फेक्शन होगा इस पे पानी के अंदर वो इनको हो। तो मैंने इनको भी क्वारंटाइन करके रखा था, इनकी भी पूप से थोड़ी स्मेल आ रही थी तो इनको क्वारंटाइन करके रखा था। उसके बाद मैंने इनको देखा है, मॉनिटर किया है, उसके बाद दो बार इसका पानी चेंज किया है इस पॉन्ड का। तो दो बार पानी चेंज करने के बाद ही मैंने उनको उसमें ऐड किया है सारी सेफ्टी के साथ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था मेरे टर्टल्स के साथ इसीलिए। तो देखिए बहुत ही नेचुरल दिखता है, ये देखिए ये खाने लगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको रीज़न बताया था कि इनकी पूप स्मेल क्यों करती है, तो जब ये एल्गी खाते हैं तो इस एल्गी का एक स्मेल होता है, तो वो स्मेल इनके पूप से आता है, तो वही रीज़न था, बाकी कोई रीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन करना ज़रूरी था। तो वो गया हमारा बेबी टर्टल नीचे, देखिए आ गया वापस ऊपर। तो इनको टाइम देना है, ये धीरे धीरे अपना काम कर लेंगे तो इनको आदत हो जाएगी, ये अच्छी बात है। फिशेज भी देखिए उनके नज़दीक आ रहे हैं देखने की ये क्या है, ये वापस क्यों आए हैं। ये देखिए फिशेस को चेस करना चालू कर दिया है, और ये जो बेबी टर्टल है वो इसके अंदर आने के बाद वो क्या जोश में आता है पता नहीं, वो बड़े टर्टल के पीछे पीछे भागने लगता है मेल टर्टल के। देखिए मेट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, मेटिंग डांस के लिए।
लेकिन उसको क्या पता वो भी मेल है। ये देखिए, तो इनका ये चलता रहेगा। देखिए इसने थोड़ा खाना खाया है और वापस बास्किंग एरिया पे आके बैठा है। ये खाना खाता है, आता है, बास्क करता है, वापस जाता है। ये सिलसिला इसका चालू रहता है। तो ये मैंने 2 दिनों से मार्क किया है कि ये यही चीज़ करता है, थोड़ा खाता है, यहाँ पे आता है, बैठता है, वापस जाता है, खाता है, यहाँ पे आके बैठता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट हिट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।